हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। तो आज वीडियो में देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जैसे कि आप अपना घर बना रहे हैं, तो घर बनवाने के लिए उसमें कॉस्ट, एक तो आप निकालते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, कि आपको ये देखना होता है कि घर बनवाने के लिए आपका क्या बजट है, मतलब उस घर बनाने के लिए कि इसमें लेबर कॉस्ट क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट क्या आता है, अदर कॉस्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट क्या आता है। तो जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट निकालते हैं। सपोज़ कीजिए आपको दो मंजिल बिल्डिंग बनानी है, तो मैं आपको एक सिंगल फ्लोर के लिए बना देता हूँ, सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर, सिंगल फ्लोर के लिए या फिर आप डबल फ्लोर के लिए, डबल स्टोरी के लिए। तो उसमें जो कॉस्ट निकालते हैं हम, एक तो जैसे एज पर शेड्यूल, जैसे कि आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट जैसे भी टाइम टू टाइम लग रहा है, इनिशियल टू फिनिशिंग वर्क तक जो आपका कॉस्ट लगता है, जो आपका मेटेरियल लगता है, उस पर आपको फाइनल जो फाइनल कॉस्ट आती है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट आती है। बट हमें स्टार्ट करने से पहले, अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकालना होता है कि इसमें इतना खर्चा लग जाएगा, कम बेस मतलब 1% टू 1% से, ठीक है, तो 1% से 2% तक कम बेस होता है। तो इसमें हम ये जाकर जानेंगे, चलो आगे वीडियो शुरू करते हैं, हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स कि कितने ईट, सबसे मेन डिपेंड करता है आपका ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। तो ये होता है आपका, तो सीमेंट ब्रिक्स होता है आपका 20% ऑफ होल कॉस्ट। जितना आपका कॉस्ट आता है ब्रिक का, वो होल कॉस्ट जितनी भी मकान बनाने में खर्चा आता है उसका 5% आपका ब्रिक्स पर आता है। उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो कॉस्ट होता है वो 12% होता है होल मकान में। जितना भी आप मकान बना रहे, जैसे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, फिर टाइल लगा ले, फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका 12% कॉस्ट आता है सीमेंट के ऊपर, होल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। कॉस्ट ऑफ स्टील बार, स्टील का जो कॉस्ट आता है आपका कॉलम में आता है, स्लैब के अंदर आता है, बीम के अंदर आता है, जो उसमें कॉस्ट आता है कितना आता है होल कॉस्ट का, 10% ऑफ होल कॉस्ट। तो जैसे कि आपको अपना घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको देखना है लास्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आएगा। जैसे प्लिंथ एरिया रेट से निकालते हैं, अप्रोक्स एस्टिमेट से निकालते हैं, तो उस दोनों के डिफरेंट डिफरेंट से कॉस्ट क्या आता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊँगा इसके अंदर। तो कॉस्ट ऑफ टिम्बर, जैसे टिम्बर आपका गेट, फर्नीचर, जो भी आपका आपके मकान के अंदर लग रहा है, जैसे गेट होते हैं, डोर, विंडोज होते हैं, आपका फर्नीचर जो भी यूज़ हो रहा है उसमें 10% आपका कॉस्ट आता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अदर मटेरियल, जैसे कि अदर मटेरियल होता है आपका एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाइट सीमेंट हो गया, तो पीओपी हो गई, जो भी अदर्स मटेरियल होता है, तो उसका जो कॉस्ट आता है 14% आता है, ठीक है। जैसे कि सैंड, एग्रीगेट और जो भी अदर मटेरियल्स हैं उसमें 40% आपका कॉस्ट आता है। तो वेजेस ऑफ लेबर, जैसे कि आपको पता करना है कि लेबर क्या आएगी, जैसे ब्रिक वर्क पर लेबर लगता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट पर लेबर लगता है, फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क पर, उसके बाद आपका फ्लोरिंग पर लेबर लग रही है, ठीक है। तो जो भी आपका वुडन वुडन डोर फ्रेम पर लेबर लग रही है, पेंट पर लेबर लग रही है, जो भी टोटल लेबर आती है आपका 30% आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन पॉइंट, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, जो भी वर्क चार्ज लगता है आपका उसमें 2% आपका टोटल कॉस्ट लगता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो आपका 100%। तो इसमें अदर, देखिए जो उसमें अदर मेटेरियल हो गया आपके पास, इसमें इलेक्ट्रिकल भी शामिल है, इलेक्ट्रिकल इंक्लूड है, जो इलेक्ट्रिकल का सामान होता है वो भी इंक्लूड है, और लेबर में आपका जो इलेक्ट्रिकल जो लेबर लगती है वो भी इंक्लूड है। तो टोटल लेबर मैंने बताया इसमें, सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड लेबर्स का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमें निकालना है, जैसे कि आपने निकाला है अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ आइटम वर्क, हमें निकालना है जो भी आपने अप्रोक्सीमेट निकाला था आइटम वर्क का। एग्जांपल ले लेते हैं 10 लाख, आपका घर बनाने में जो आपका घर बनाने में जो कॉस्ट लगा 10 लाख, 10 लाख का बजट है, 10 लाख में, 10 लाख में अपने 10 लाख का इसमें खर्चा आता है। तो 10 लाख में आपको देखना है प्लिंथ एरिया रेट कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया रेट कैसे आएगा। प्लिंथ एरिया मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा प्लिंथ एरिया क्या होता है और बिल्टअप एरिया क्या होता है। जैसे कि आपने ये मकान बनाया, मकान बनाने के अंदर इसमें जो वॉल है आपकी आउटर वॉल से लेकर, इसमें जो आपका बालकोनी है वो इंक्लूड नहीं होती है, और इसमें स्टेयरकेस वो इंक्लूड नहीं है। तो जिसमें आपने मकान वॉल है, फ्लोरिंग एरिया है आपका, वो आपका प्लिंथ एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लिंथ एरिया में, इसमें आपको क्या करना है, रेट इसका निकालना है, जिसमें आपको ऊपर तक टॉप तक ब्रिक वर्क जाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क। तो प्लिंथ एरिया रेट कितना है, कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया कितना है आपका, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या हमारे पास 10 लाख आती है, प्लिंथ एरिया कितना है 1200 स्क्वायर फीट। तो ठीक है, सपोज कीजिए 40 इंटू 30 का आपके पास स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है,
तो 1200 स्क्वायर फीट का कोई आपके पास एरिया हो गया है, ठीक है। तो कितना हुआ, रेट क्या हुआ, 833.33 पर स्क्वायर फीट। तो रेट क्या आ गया हमारे पास, 833.33 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो रेट हमारे पास आता है ये वाला कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट की कॉस्ट निकाल लेते हैं जी। ये आपका निकल गया, इस तरह आप प्लेन एरिया रेट निकाल सकते हैं, और सेकेंड आपका एग्जांपल निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें कोई सा भी निकाला है, ब्रिक का, सीमेंट का, सैंड का, स्टील, कितना स्टील का खर्चा आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट कितना आया बिल्डिंग का, 10 लाख। आपका सिंगल फ्लोरिंग के लिए हो गया 10 लाख इंटू 10/100, 10/100, ये आपका 10% है। ये आपका क्या है, 10%। कितना खर्चा होगा, 1 लाख। तो सीमेंट पर खर्चा कितना आता है आपके पास, 1 लाख। एग्जाम्पल सेकेंड देख लेते हैं अब, एग्जाम्पल टू। तो प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट हमारे पास है 800 स्क्वायर फीट। कोई आपसे ले रहा है कि आपका जो 1200 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट एरिया है, या फिर प्लॉट एरिया से निकाल सकते हैं, जो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि वो प्लॉट आपके प्लॉट एरिया से निकालता है या फिर आपका स्लैब एरिया से। जो कि देखो आपका जो निकालता है प्लॉट एरिया से, कोई नहीं निकालेगा आज के टाइम में। तो सबसे पहले निकालता है आपका स्लैब, जैसे आपकी ये स्लैब होती है, इसमें आपका छज्जा भी हो सकता है जो सनसेट होता है, या साइड में भी सनसेट हो सकते हैं। तो ये टोटल एरिया निकलेगा आपका स्लैब से, कि आपकी जो ऊपर की छत होती है उसी से नाप लेते हैं कि भाई आपका ये इतनी छत है, इसी एरिया से निकालेंगे। जैसे कि आपके ग्राउंड फ्लोर पर आपका निकल गया 1200 स्क्वायर फीट, तो सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पर आपका एरिया आ गया छत का, सपोज कीजिए 900 स्क्वायर फीट। तो ये टोटल प्लस हो जाएंगे, तो 2100 स्क्वायर फीट हो गया। तो 2100 गुना रेट कितना था उसका, 800 स्क्वायर फीट, तो इसको 800 से गुना कर देंगे, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा घर बनाने में, जिसमें आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट जो भी, वो विद मटेरियल के साथ होगा जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा आपसे। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है वो लेता है प्लिंथ एरिया से, प्लिंथ एरिया से, जैसे कि उसमें जो छज्जे होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, बट बस वही होगा जहाँ पे अपने घर बनाए, जितने एरिया पे अपने घर बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि आउटर आउटर वॉल हो गई, उसमें अपने बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपका प्लिंथ एरिया होगा जाएगा उसमें, ठीक है। तो इन दोनों से कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है इस स्लैब एरिया से एंड प्लिंथ एरिया से, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हुआ, 800 रुपये स्क्वायर फीट है पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट आएगा 800 लेगा, और टोटल एरिया कितना है, 1200 स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा बनाने में, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी टोटल एरिया आएगा उसी से कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एरिया इंटू रेट, तो एरिया हमारे पास क्या है, 1200 स्क्वायर फीट। एरिया कितना है, 1200 स्क्वायर फीट, और रेट कितना था, 800 पर स्क्वायर फीट। तो दोनों गुना कर देते हैं, 960,000 आपके पास आ जाता है ये सिंगल फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर सपोज कीजिए, या फिर टोटल ये आ गया ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, या फिर प्लस थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर, जो भी आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा उसी से आपको गुना कर देंगे रेट से, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा घर बनाने में। अब यहाँ से ही निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ ब्रिक। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ ब्रिक। अब यहाँ पे ईंटों पर खर्चा कितना आएगा, तो हमने टोटल कॉस्ट कितना निकाला था, 960,000। तो 960,000 ईंटों पर खर्चा कितना आता है, 22%। तो 22% हमारा ईंटों पर खर्चा आ गया है, और डिवाइड बाई 100, तो गुना कितना हो जाएगा, 211,200। तो आपके पास 211,000 आपके पास होने चाहिए घर बनाने के लिए, घर बनाने में ईंटों पर खर्चा के लिए। सपोज कीजिए आपके पास बजट है कुल 10 लाख, 10 लाख में से आप खर्चा कर जाते हैं ईंटों पर, तो ये आपके पास हो जाता है एक अप्रोक्सीमेट, ना कि एक्चुअल एस्टिमेट, ना कि एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आएगा इनिशियल टू फिनिशिंग वर्क तक घर बनाने में, जो भी आपका मटेरियल का कॉस्ट लगता है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट आता है। अगर आप एक पहले से ही कॉस्ट लेकर चलते हो तो आपका प्रीलिम एस्टिमेट हो जाएगा कि भाई इतना खर्चा लगेगा। तो बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट थी समझाने के लिए। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।